दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें कोरोना वायरस से जूझ रहे चीन के वुहान से एयरलिफ्ट कर भारत लाए गए छात्रों को मानेसर आर्मी कैंप में डांस करते हुए जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। वुहान में कोरोना वायरस की वजह से इन छात्रों को एयरलिफ्ट कर पिछले दिनों भारत लाया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके चीन में फंसे छात्र गिड़गिड़ा रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं उनको वुहान से निकाल लिया जाए, पर पाकिस्तान ने अपने ही देश के छात्रों को मरने के लिए वुहान में छोड़। मेरी फिर से एक बार गिड़गिड़ा कर इस बार आर्मी चीफ से अपील है कि पाकिस्तान आर्मी से अपील है कि सर काइंडली हमारे लिए कुछ हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकाला जाए, इससे पहले कि हम में से मजीद कोई और बच्चा इन्फेक्ट हो। 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये वो वाहिद मुल्क है जिसके 5 बच्चे अभी तक इन्फेक्ट हो भी गए और वो मुल्क टस से मस नहीं हुआ है जिनके नहीं, और वो अपने स्टूडेंट्स को निकाले जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि कोई भी मुल्क चीन में अपने जो उनके लोग हैं या शहरी हैं उनको इवैक्यूएट करे। कल दोपहर को 1 बजे मेरे जूनियर इंडियंस जितने इनकी फ्लाइट है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा विद प्रूफ बात करूंगा। कल ये इंडियंस 1 बजे चले जाएंगे, ठीक है, और ये तादाद में हमसे ज़्यादा थे यूएस में, तो क्या इन पर WHO का रूल नहीं लगता है? क्या इनकी कंट्रीज में वायरस नहीं जा सकता? अगर हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दें तो ये वबा पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। जो आप ये लोग देख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए, ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं और ये बस इनको यहाँ से लेने आई है जो इनकी एम्बेसी की तरफ से भेजी गई है। ये वुहान की एक यूनिवर्सिटी में ये इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं इनको यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा इस बस के ज़रिए और वहाँ से इनको इवैक्यूएट किया जाएगा इनके घरों तक। तो बांग्लादेश वाले भी आज रात यहाँ से इवैक्यूएट किए जाएंगे। एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वहाँ पर जिंदा रहो, मरो, जियो, कुछ भी हो, आपको इन्फेक्टेड होते हो जाओ भले, हम आपको ना तो इवैक्यूएट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे। शेम होनी है पाकिस्तान गवर्नमेंट, कुछ सीखो इंडिया से, कुछ सीखो कि वो अपने लोगों को किस तरह ख्याल रखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि कोई भी मुल्क चीन में अपने जो उनके लोग हैं या शहरी हैं उनको इवैक्यूएट करे। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप लोगों को वुहान के बारे में ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है। बहुत सारे लोग इफेक्टेड हैं इन थाउजेंड्स और मोर देन 170 डेथ्स हो चुकी है। कुछ न्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया पर चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स अपनी वीडियोज़ वगैरह बना के कुछ मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। मेरी इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपनी कौम से, मैं अपनी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे इससे निकाल दो। अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत का फैसला करना है और हमें कोई इससे डर नहीं है कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, क्योंकि मौत कहीं भी आ जा सकती है। इस वीडियो का मकसद ये है कि अभी वक्त मैंने हेल्थ एडवाइज़र टू PM मिस्टर जफर मिर्ज़ा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें साहब ये फरमा रहे थे कि वो WHO ने एडवाइस किया है डिफरेंट कंट्रीज़ को कि वो वुहान से अपने सिटीज़न को इवैक्यूएट ना करें। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए पहले मैं आप लोगों के लिए एक लिंक दिखाता रहूँ, दिखाता चलूँ कि ये CNN की वेबसाइट से है जिसमें शो किया गया कि किन किन कंट्रीज़ ने अभी तक इवैक्यूएशन की है या वो अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने सिटीज़न को निकालने के लिए। ये देखें लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड जापान। सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ कंट्री, साउथ कोरिया, टर्की एट्सेट्रा, जिन्होंने अपने सिटीज़न को वुहान से निकालने के लिए या तो निकाल लिया या इंतज़ाम कर रहे हैं। इस वीडियो पैगाम का मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे वुहान से निकाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे इतना यकीन है कि अगर अल्लाह ने हमें मौत देनी हो तो वुहान में भी आ सकती है और पाकिस्तान में भी आ सकती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ ये करनी थी कि हमारे फेडरल मिनिस्टर्स को इतना नहीं पता कि WHO ने क्या कहा है इस प्रॉब्लम या इस इशू के बारे में, और उनके पास कोई फिगर्स ही नहीं है और ऐसे ही आके प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को और मीडिया को गुमराह कर रहे हैं। ये हेडलाइन सुनने के बाद तो यकीन माने, पहले तो ये फीलिंग थी कि लावारिस थी, हमारे पीछे कोई मुल्क है ही नहीं है, हमारे पीछे कोई सोर्स है ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से ऊपर मरीज से आए आके दरख्वास्त किया चाइना में, कि मतलब यार हमारे पीछे कुछ चैन लेने वाले नहीं है। इस बात से क्या हम इंडिकेट करेंगे यार, सिंपल हम लावारिस हैं, हमारे पीछे कोई मुल्क नहीं है। कि इस वक्त जिस अच्छे अंदाज में हुकूमत चीन ने इस आउटब्रेक को वुहान तक महदूद किया हुआ है, और दूसरी बात जो जिन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ पे इफेक्टेड हैं 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट, वो बहुत ही वो बेहतर हैं, वो कितने बेहतर हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन हमारे कोलीग्स हैं। तो खुदा रहा अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का इख्तियार नहीं है कि अपने सिटीजन को इवैक्यूएट करें या उनकी कोई और हेल्प कर सके, तो इस तरह की बकवास कम अज़ कम मीडिया पर आके ना करें। तो आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी पूरे अदारे से मेरी ये हाथ जोड़ कर मैं उनकी मिन्नतें करता हूँ कि यार काइंडली हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकाला जाए, हम आपके बहुत मशहूर होंगे पाकिस्तान आर्मी। बस ये मेरा आखिरी था। 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच दिल्ली से एयर इंडिया की 2 फ्लाइट वुहान भेजी थी, इन दोनों से 647 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। 3 दिन के इस ऑपरेशन में 78 स्टाफ की स्पेशल टीम को लगाया गया था, इसमें 68 एयर इंडिया से और 10 RML सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर और पैरामेडिकल के स्टाफ थे। दोनों दिनों में 2 अलग अलग बोइंग 747 जंबो प्लेन लगाए गए थे ताकि अधिक से अधिक भारतीयों को चीन से भारत लाया जा सके। बताया जाता है कि चीन से जितने भी भारतीयों को दिल्ली लाना था उसमें ऐसा एक भी भारतीय नहीं था जिसे एयर इंडिया के क्रू और डॉक्टरों ने फ्लाइट में बोर्ड कराने से मना किया हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसने वुहान में पढ़ रहे पाकिस्तानी छात्रों को चीन से निकालने से ही मना कर दिया है, और इसके पीछे सबसे रोचक है वो कारण जो पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा ने बयान जारी कर इसके पीछे WHO के निर्देश का हवाला दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि WHO ने सभी सदस्य देशों को मना किया है कि वे अपने देश के लोगों को वापस न ले जाएं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल जाएगा। साथ ही पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि चीन इस वायरस से अच्छी तरह से लड़ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में इतनी मेडिकल कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई इस वायरस को डायग्नोसिस भी कर सके। अब देखना होगा कि पाकिस्तान अपने चीन प्रेम को तवज्जो देता है या फिर अपने ही देश के ननिहालों को चीन में मरने के लिए छोड़ देता है।